पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सम्राट चौधरी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अब देखिए वहां पर बड़ी बैठक समाप्त होने के बाद सम्राट चौधरी ने बता दिया है कि क्या होने वाला है बिहार में। दरअसल आपको बता दें कि कल सम्राट चौधरी को आनन फानन में दिल्ली जाना पड़ा था, क्योंकि अमित शाह का फोन सम्राट चौधरी को आ गया था और सम्राट चौधरी भागे भागे पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहां पर केसी त्यागी के साथ फ्लाइट में मौजूद थे। केसी त्यागी के साथ सम्राट चौधरी का डील हो गया था, लेकिन चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उदासी दिख रही थी। उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी काफ़ी कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा था कि उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर क्या सम्राट चौधरी का मुहर लगेगा। देखिए, दिल्ली में कई बातें हुई हैं, कई चर्चाएं हुई हैं। उन चर्चाओं के बीच में सम्राट चौधरी का पटना आना, और पटना आते ही नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को सीएम आवास पर बुला लिया है बैठक के लिए, यानी कि कल नहीं बल्कि आज ही हो जाना है खेल। ये एक बड़ी तैयारी हो रही है बिहार के राजनीति में। इधर राजद भी बैठक पर बैठक कर रही है। सम्राट चौधरी पटना लौटे हैं और नीतीश के लिए क्या कुछ खुशखबरी लेकर के सम्राट चौधरी आ रहे हैं, उनको तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सीएम के कुर्सी से हटाने के लिए पगड़ी बांध रखा है, क्या वो पगड़ी अब खुलने का समय आ चुका है? सम्राट चौधरी क्या पगड़ी खोलेंगे? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनने जा रहे हैं। देखिए, राजभवन में कार्यक्रम था, विजय सिन्हा जो बीजेपी के नेता विरोधी दल हैं वो जिस तरीके से नीतीश कुमार से गुफ्तगु करते नजर आए थे बैठक में, जिस तरीके से दोनों दिख रहे थे, वे तस्वीरें स्पष्ट कर रही थी, बातें स्पष्ट कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो खेल हो चुका है बिहार के राजनीति में, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ा चुका है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के पद से भी वो हट जाएंगे बिहार में जल्द ही। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए तेजस्वी यादव को आप सभी देख पाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी सम्राट चौधरी ने दिल्ली से लेकर के आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए। देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है, आगे भी लड़ते किसके खिलाफ लड़ते हैं। मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है। अब जो 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 बोले हैं उनसे पूछिए, दरवाजा खुलेगा फिर से नीतीश कुमार पगड़ी खोलेंगे? देखिए, पगड़ी आपने बांधा था, आपने पगड़ी बांधी थी, पगड़ी खोलेंगे? समय आने वाला नजदीक। देखिए, स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी का समय दूंगा। इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बनके चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी? सर, सम्राट जी, नीतीश कुमार को स्वागत कीजिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।